हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को फिर से हमारा एक न्यू डिवाइस शो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मोबाइल है रियलमी सी टू। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल का जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने मुझे बताया, ये मोबाइल को चार्ज में लगाया था और लगाने के बाद मोबाइल जो है थोड़ा टाइम बाद हीट होने लग गया और मोबाइल बंद हो गया। अभी मोबाइल जो है चल नहीं रहा है, चार्ज में लगाओ तो मोबाइल हीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। आप लोगों को इस तरह प्रॉब्लम आया है तो किसी भी मोबाइल का यह प्रॉब्लम आप आसान से सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से क्लास तक देखिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मीटर लगा के चेक करते हैं मल्टीमीटर को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लैक है और ये रेड है। तो फ्रेंड्स, ग्राउंड में लगाते एक और दूसरा जो है लगाते हैं बैटरी कनेक्टर में। तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल में जो मोबाइल जो है पूरा शॉर्ट बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा शॉर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट की वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चार्जिंग में लगाने के बाद मोबाइल हीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखना है तो इस वीडियो के नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स, हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में सलूशन बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, फ्री में आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मोबाइल से रिलेटेड नई नई वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करता ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर को रिमूव किया है, बैटरी कनेक्टर का बीच में। तो फ्रेंड्स, अभी चार्ज में लगा के देखते हैं मोबाइल जो है हीट हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी भी मोबाइल हीट हो रहा है। ऑन करके देखते हैं ऑन हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है, फुल शॉर्ट होने के बाद भी हमारा मोबाइल जो है ऑन हो जाता है। मोबाइल का जो बैटरी है, बैटरी बैकअप नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या करना है, अभी हमें पेस्ट लेना है थोड़ा। और हमें देखिए, ये नेटवर्क सेक्शन का सारे आईसी जो है हीट हो रहा था, तो इसलिए मैं इस सारा आईसी के ऊपर हमने पेस्ट लगा रहा है, क्योंकि हम अभी शर्ट कहाँ पे है चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये वायर को हम ब्लैक वाला वायर को लगाएंगे ग्राउंड में। और आपका पास डीसी मशीन नहीं है तो कैसे करना है अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पास फ़िलहाल डीसी मशीन नहीं है, हमारा डीसी मशीन जो है ख़राब हो गया है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए हमने प्लस में लगाया और देखिए धुआं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आईसी की जो कोना है, कोने में से धुआं निकल रहा है। एक कैपेसिटर है उस कोने में। तो फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर को हम निकालते, ये छोटा सा कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स, हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है और देखिए फ्रेंड्स, एकदम छोटा कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स, अब मीटर लगा के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग सही से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग जो है सही से ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम मोबाइल को ऑन करके देखते हैं हमारा मोबाइल जो है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें
जो पेस्ट लगाया था और पेस्ट को साफ कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा मोबाइल जो है पूरा ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मोबाइल रिपेयरिंग काम। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।